हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी कोच पीटर फुल्टन अपने पद से हट गए हैं। अब वे कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ये जानकारी दी। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुल्टन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। 41 साल के फुल्टन ने कहा, राष्ट्रीय टीम का फिर से हिस्सा बनना सम्मान था तथा मैं खिलाड़ियों और स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरा तहे दिल से स्वागत किया। वहीं एनजेडीसी के महाप्रबंधक ब्रायन स्ट्रोनेच ने फुल्टन को नई नियुक्ति के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, पीटर सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड टीम में अहम योगदान दिया। आपको बता दें कि पीटर फुल्टन को 2019 वर्ल्ड कप के बाद कीवी टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया था। फुल्टन की कोचिंग के दौरान न्यूजीलैंड श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई और इस बीच न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड और भारत की मेजबानी भी की थी। फुल्टन का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ पूरा लुत्फ उठाया, लेकिन कैंटरबरी के प्रस्ताव को नजरअंदाज करना मुश्किल था। अब वे कैंटरबरी के साथ जुड़कर खुश हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है।